दिस लेलन टॉप वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। अब नया बिजनेस है तो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने उन्हें 5 पेमेंट का ऑप्शन दिया और ये सारा हिसाब किताब हमने खाता बुक ऐप में मेंटेन किया और इसी ऐप से हमने उन्हें पेमेंट रिमाइंडर्स भी भेजे। अब खाता बुक ही मेरे बिजनेस का खाता मैनेजर है। नमस्ते दी लेलन टॉप पर, मैं सोनाली हूँ। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हफ्ते से अधिक समय से हिंसा जारी है। इस हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं हमास द्वारा छोड़े गए सैकड़ों रॉकेट्स की वजह से इजराइल में 12 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस हिंसा के खिलाफ दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर भी लोग फिलिस्तीन और इजराइल के पक्ष और विपक्ष में पोस्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। इस सबके बीच फेसबुक की गूगल प्ले स्टोर पर रेटिंग गिरकर 2.5 तक आ पहुंची है। लेकिन मामला क्या है? ट्विटर सहित कई सोशल मीडिया साइट्स पर लोग ये लिख रहे हैं कि चूंकि फेसबुक फिलिस्तीन की आवाज दबा रहा है, ऐसे में उनके खिलाफ विरोध दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन फेसबुक आवाज कैसे दबा रहा है? सोशल मीडिया पर लिख रहे लोगों का यह कहना है कि फेसबुक फिलिस्तीन से आ रहे कॉन्टेंट को सेंसर कर रहा है और ऐसा करके वह इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में हम लोग फेसबुक के रिव्यूज घटाकर उसको सबक सिखा सकते हैं। लोग कम रेटिंग देते हुए फेसबुक के बारे में लिख रहे हैं कि फेसबुक मासूम लोगों की हत्या का समर्थन कर रहा है, फेसबुक फेक न्यूज और नफरत फैला रहा है। कई लोगों ने यह लिखा है कि फेसबुक गाजा पट्टी से पोस्ट कर रहे लोगों की आईडी को ब्लॉक कर रहा है। कई लोगों ने फेसबुक के बहाने फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग को भी लपेटे में ले लिया। मार्क जकरबर्ग के बारे में लोगों ने कहा, अंत में मार्क एक यहूदी हैं और मुस्लिमों को मरता देखना उसे पसंद है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब तक गूगल और फेसबुक की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि आखिरकार रेटिंग होती क्या है, कैसे होती है, कैसे काम आती है। तो किसी भी ऐप को अधिकतम आप 5 रेट कर सकते हैं। जिस ऐप की रेटिंग जितनी ज्यादा होती है उस ऐप को उतना अच्छा माना जाता है। लोग ऐप को इस्तेमाल करने के बाद उसे रेट करते हैं, रेटिंग देते हैं कि उन्हें वो ऐप कितना अच्छा लगा या कितना बुरा लगा। सबसे कम रेटिंग आप 1 दे सकते हैं। 1 रेट करने का मतलब ये है कि आपको ये ऐप बिल्कुल घटिया वाहियात लगा, आपका एक्सपीरियंस खराब था। गूगल का कहना है कि प्ले स्टोर पर ऐप की रेटिंग यूजर द्वारा दिए गए मौजूदा क्वालिटी रेटिंग के आधार पर दी जाती है। जब तक ऐप को मिली रेटिंग की संख्या बहुत कम ना हो तब तक यूजर के रिव्यू के शुरू से अभी तक के कुल औसत वैल्यू को आधार नहीं बनाया जा सकता। गूगल की पॉलिसी कहती है कि इस तरह के ऐप में लगातार बदलाव होते रहते हैं, चीजें जुड़ती रहती हैं, घटाई जाती रहती हैं, फीचर्स बदलते रहते हैं। ऐसे में वो शुरुआत से अब तक के सभी रिव्यूज को दिखाते हैं क्योंकि वह यूजर को ऐप के इस्तेमाल और उसके बारे में खास जानकारी देते हैं। बता दें कि गूगल प्ले स्टोर पर किताबें, फिल्में और टीवी शो की रेटिंग अब तक के यूजर के रिव्यू की औसत वैल्यू होती है। अगर कोई गलत रिव्यू पोस्ट करे तो गूगल उसे हटा भी सकता है। 1 से ज्यादा अकाउंट से रिव्यू पोस्ट करे, रेटिंग में हेरफेर करने के लिए कुछ पोस्ट करे तो भी गूगल उसे हटा सकता है। साथ ही यूजर्स को गुमराह करने के लिए सब्जेक्ट से हटकर कोई कुछ पोस्ट करे, किसी कंपनी या बिजनेस का प्रचार, किसी वेबसाइट का लिंक, किसी का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी भी अगर कोई पोस्ट करे तो उसे हटाया जा सकता है। कोई भी प्राइवेट जानकारी, अश्लील कॉन्टेंट, कुछ भी गैर कानूनी सामग्री आदि गूगल हटा सकता है। टिकटॉक का वाकया अगर आपको याद हो तो मई 2020 में टिकटॉक की रेटिंग भी प्ले स्टोर पर ऐसे ही एकाएक गिर गई थी, लेकिन उसके बाद गूगल ने उसे फिल्टर किया था, कई स्पैम वाली रेटिंग्स को हटा दिया गया था। इसके बाद टिकटॉक की रेटिंग में फिर सुधार आया था। फिलहाल फेसबुक की रेटिंग 2.5 स्टार्स आपको गूगल प्ले स्टोर पर नजर आएगी। खबर आपके लिए लिखी हमारे साथी आदित्य ने, मैं हूं सोनाली, देखते रहिए द लेलन टॉप। शुक्रिया।